मैडम एक मिनट। अरे दीदी आप क्या बात है, हड्डी कट्टी हो गई हो और गांव से कब आई आप? पर क्या बोल रहे हो तुम, पागल हो गए क्या? और कौन दीदी? अरे आप दीदी और कौन, भूल गई मैं गांव में शादी में आया था, अब बच्चे लेके इतनी गोलू मोलू से। और जिया जी कहाँ है, वो नहीं आए? पर किसके बच्चे, कौन सा जीजा जी, तुम नशे में है क्या? अरे दीदी ऐसी छोटी मोटी बात तो शादी में होती रहती है, आप क्या पहचानने से इनकार कर दोगे मुझे? वो क्या है ना, हमारी ये गोलू मोलू दीदी जल्दी बुरा मान जाती है, इसलिए पहचानने से मना कर रही है ना दीदी? अबे तो क्या दीदी दीदी कर रहा है, और मैं तुझे किस एंगल से लड़की लग रहा हूँ? हर एंगल से दीदी। हाँ थोड़ी सी दाढ़ी आ गई आपके तो क्या हुआ, हमारी एक बुआ है ना दाढ़ी उनके भी आती है, वो तो इनकार नहीं करती, बताओ ये इनकार कर रही है? मुझे लग रहा है ना तेरा दिमाग खराब हो गया, हाँ मैं लड़की नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ, मर्द, आई बात समझ? नहीं 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 नहीं, ये तो आप झूठ बोल रही है, मैं तो नहीं मानता, आप में से कोई मानता है कि ये मर्द है? नहीं भाई देखो कोई नहीं मान रहा, अब महिला सीट पर बैठ के खुद को मर्द कहोगे तो कौन ही मानेगा, तो महिला ही है आप, समझे बात को? अच्छा तो तू ये जो ड्रामा कर रहा था वो सब इस सीट के लिए कर रहा था? करना पड़ा भैया, अब आप तो इनको सीट दे नहीं देते जबकि ये प्रेग्नेंट है। ठीक है नहीं दी मैंने सीट, और मैं ना अभी भी नहीं दूंगा, तू कर क्या लेगा? और सुन ये देख रहा है ना, साले दो मारूंगा तेरी सारी हीरोगिरी निकल जाएगी। ऐसे कैसे मार देगा भाई, सही तो बोल रहा वो। हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हो, और वैसे भी उनका हक बनता है वहाँ बैठने का, लेडी सीट है, और एक तो गलती कर रहे हो ऊपर से आकर दिखा रहे हो, यहाँ नहीं चलेगा ये सब भैया। सुन लिया ना, अब जाके आगे बैठ, सीट लेडीज की, चल निकल। मैम आप प्लीज बैठिए। शुक्रिया। नहीं नहीं कोई बात नहीं। Excuse me. अरे ब्लैक टी शर्ट जी, मुझे बुला रही हैं आप? जी वो आप उस लेडी से अलग जा रहे हो, मतलब वो जो प्रेग्नेंट थी, आप उनके साथ नहीं हो क्या? नहीं नहीं मैं उनके साथ में नहीं हूँ, हम तो अलग अलग आए थे। अच्छा मुझे लगा आप उन्हीं के साथ हो, मतलब जिस तरीके से आपने उनकी साइड ली, आई मीन मदद करी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो क्या ना कि वो परेशानी में थी, देखा मैंने, और कोई उनकी हेल्प भी नहीं कर रहा था, सोचा मैं ही कर दूँ, बाकी उनको जानता नहीं हूँ मैं। भैया हटना जरा, मुझे बैठना है। क्यों मैडम, भला मैं क्यों हटूं? क्योंकि ये लेडीज सीट है और आप लेडीज सीट पे बैठे हुए हो इसीलिए। अरे मैडम कहीं और जाके बैठ जाओ, मैं वैसे भी यहाँ पे बैठ चुका हूँ। भैया आपको दिख नहीं रहा मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप इस तरीके से बात कर रहे हो, एक तो लेडीज सीट पे बैठने का आपका कोई हक नहीं है, ऊपर से मुझे ही अकड़ दिखा रहे हो। मैडम पहली बात ना मेरे साथ ही वुमन कार्ड मत खेलो, बहुत सी सीटें खाली है, वहाँ जाके बैठो, मैं यहाँ से नहीं हटने वाला। अच्छा वैसे जान के अच्छा लगा कि आप जैसे कुछ लोग हैं आज भी जो बिना किसी जान पहचान के दूसरों की मदद करते हैं, वरना आजकल लोग कहाँ ही किसी के बारे में इतना सोचते हैं। बाय द वे आपने जिस तरीके से उस लड़के को सबक सिखाया ना, वो तो देख के मजा ही आ गया। हाँ अब क्या करें, ऐसे लोग ना ऐसे समझते हैं उल्टे तरीके से, तो बस जो सही लगा मुझे मैंने कर दिया। बिल्कुल सही कहा आपने जी, ठीक है मैं निकलता हूँ अब।